हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आज आए हैं आइसर के शोरूम पे, जो कि रुधौली में ये अवेलेबल है यहाँ। और हम बात करने वाले हैं आइसर 380 के बारे में। तो जैसे इसके इंजन की बात कर लेते हैं, तो इसमें 40 HP का इंजन दिया हुआ है, तो 2500 CC का है और 2150 RPM पे, और बॉस के लैंड पंप के साथ में है, और ये मैकेनिकल स्टीयरिंग में है। और देखें तो भाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसका मिल जाएगा मोबिल फिल्टर और डीजल फिल्टर, ये 250 घंटे पे चेंज होगा। और इसमें बात करें तो वाटर कूल इंजन दिया हुआ है, और ये टायरों मतलब फ्रंट टायरों की बात कर लें तो इसमें 6006 के टायर दिए हुए हैं, ये गुडेयर के टायर मिल जाएंगे, और रियर टायर ये 1328 के हैं, ये भी गुडेयर के हैं। बाकी ये डबल क्लच में है, और आइसर 380 ऑयल पॉट टाइप एयर फिल्टर इसमें दिया हुआ है, और आइसर का लोगो मिल जाएगा। और है बम्फर का बात करें तो काफ़ी हैवी बम्फर दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, और नीचे यहाँ मिल जाएगा छोटा सा हुक, जैसे कि आप टोचन वोचन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इस साइड की बात कर लेते हैं तो इसमें मिल जाएगा छोटा सा सेल्फ, जैसे कि कुबोटो में देता है, ये छोटी बैटरी से भी चालू हो जाता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मिल जाएगा आपको अल्टीनेटर, और यहाँ मिल जाएगा पंप सिंगल, जो कि ये सादा स्टीयरिंग में है, आप इस पर पावर स्टीयरिंग भी आता है, आप ले सकते हैं। और देखें तो वह काफ़ी अच्छा है। और हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टूल बॉक्स फाइबर का है, जो सही काफ़ी सही है, और हम ऊपर से अगर दिखाएं तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मिल जाएगा जैसे गुडेयर का टायर 1328 का, और हम ऊपर से देखें तो इसमें चलने के लिए इस टाइप का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बाकी हम ऊपर से दिखाते हैं किस तरह का है, तो ऊपर जैसे आप बैठे तो यहाँ देखें तो यहाँ मिल जाएगी आपको 80 H की बैटरी एमरॉन की लगी हुई है, और ये सेंटर गियर में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें बात करें मीटर की तो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया हुआ है, और साइड ग्लास। और अगर हम ब्रेक की बात करें तो आयल एमरजेंस ब्रेक दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आयल का सप्लाई दिया हुआ है। और इसमें ये पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये डेप्थ कंट्रोल लीवर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको DC। और गियरों की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 नंबर और रिवर्स, यहाँ लो हाई का 8+2 के गियर बॉक्स मिल जाएगा। और ये डबल क्लच में है, 40 HP का ट्रैक्टर है तो डबल क्लच में है, ये P2 का लीवर जिससे P2 चालू हो जाएगा। बाकी साइड में बैटरी मिल जाएगी, जो कि यहाँ बैठने के बाद यहाँ पर रख सकता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। सामने से देखें तो यार काफ़ी अच्छी है, साइड में टूल बॉक्स, बाकी यहाँ हैंड एक्सलेटर मिल जाएगा, और ये यहाँ से निकल भी जाता है, अगर बाय द वे कोई दिक्कत रहे, मतलब हैंड एक्सलेटर ना यूज़ करना हो कभी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ चाबी की स्विच, और यह हॉर्न स्विच और लाइट की स्विच मिल जाएगी, सब प्लग, और यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, और यहाँ लाइट और लाइट के स्विच। बाकी 50 लीटर टैंक से भी कैपेसिटी के साथ में है, और इसमें सिंगल क्यूज वाल दिया हुआ है। और पीछे से हम बात करें यहाँ देखें तो यार एक 12 वोल्ट का को सॉकेट मिल जाएगा, जो मोबाइल चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ से सीधे तुरंत जेब में रख सकते हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पार्किंग के लिए ब्रेक मिल जाएगा, जिसे आप हैंड ब्रेक कहते हैं, इसमें लगा हुआ है, कि ट्रैक्टर देख सकते हैं आप हल्का सा ढलान टाइप में खड़ा हुआ है। और हम नीचे से दिखाएं तो किस तरह का है, नीचे से देखें आप तो देख ट्रैक्टर देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से है, और इसका मतलब कि छोटा सा ब्रांच रुधौली में खुला है, बाकी बस्ती में इसका एजेंसी मिल जाएगा। और हम पीछे से देखें और इसकी टर्निंग की बात करें तो टर्निंग रेडियस इसका दिया हुआ है 3250 mm, जो कि ब्रेक सिस्टम का, अगर ब्रेक का यूज़ करेंगे तो 3250 mm में ये गाड़ी पूरा टर्न हो जाएगा। बाकी इसके P2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको P2, बाकी यहाँ पे देखें तो पट्टी और टेरे नहीं सेट है इसमें, हिंच वगैरह, तो वो तो कंपनी सेट करके देगी। बाकी 34 HP का इसमें P2 मिल जाएगा, और 1200 kg का लिफ्ट कैपेसिटी इसका दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 3 पॉइंट का लिंक सेंसिंग मिल जाएगा आपको, जैसे कि हार्ड मिट्टी सॉफ्ट मिट्टी के लिए, और यहाँ पर टॉप लिंक रोकने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप प्रेशर टाली यूज करते हैं तो उसका क्यूज वाल लग सकता है, सिंगल क्यूज वाल में। बाकी बोनर देखें तो यार दोनों पाइप द्वारा बांधा गया है, बाकी आपको पीछे लाइट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लाइट है। और रियर एक्सल की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हो दोनों, और ये इसका रियर एक्सल का तो काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी है। बाकी देख सकते हो यार रिम किस तरह का है, सिल्वर टाइप का। और इसमें बात करें तो यहाँ से डबल क्लच यूज हो सकता है, और इसका पंप जो मिलता है यहाँ से काम करता है हाइड्रोलिक, जो यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। और इसमें एयर के लिए यहाँ दो दिए हुए हैं, यहाँ से देख तो यहाँ से और यहाँ से जो एयर ब्रेक शो में बनता है तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती।
बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का है। और ये वाटर कूल्ड है, जैसे आयसर में एयर कूल्ड भी आता है, बाकी ये वाटर कूल्ड है। आयसर का बैजिंग मिल जाएगा सामने, और देखें तो अल्टीनेटर, बाकी यहाँ सब देखें काफ़ी अच्छा है ट्रैक्टर। बाकी कुछ यही था दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।